अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर फ्रॉम एडवान रोबोटिक्स। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको हमारी DIY किट के बारे में बताएंगे कि आप हमारी इस DIY किट को जो है वो कैसे असेंबल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि आप इन कंपोनेंट्स को जो है हमारे एडवीनो बोर्ड के साथ जो है वो कैसे अटैच करेंगे, और इसकी वायरिंग के बारे में भी आपको हम एक डिस्क्रिप्शन देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारी DIY किट को जो है हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका ये है कि आपको जस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, और वहाँ पे जो है आपको ये DIY किट बेसिक वर्जन 1.0 के नाम से नज़र आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर सकूँ, जैसे कि आप हमारी लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि जो है इस बॉक्स DIY किट के अनबॉक्सिंग के बारे में आप देख चुके थे, तो अब मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊँगा कि क्या चीज़ से जो हैं वो DIY किट में शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ नज़र डालें तो ये एक चेसिस बोर्ड है जो के जिसपे सारे कंपोनेंट जो हैं वो प्लेस किए जाएंगे। ये एक एडवीनो बोर्ड आपको मिलता है DIY किट में जिस पर आप अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे। ये दो टायर्स हैं, ये दो मोटर्स हैं जो कि आपके रोबोट मूव करने में काम आएंगी। ये कुछ वायर्स हैं, ये एक UV सेंसर है, और ये कुछ कलर सेंसर्स हैं जो कि आपको कलर सेंसिंग रोबोट में काम आएंगे। ये इसके अलावा एक कुछ रोलर कैस्टर दिया हुआ है इसमें साथ साथ, और ये कुछ नट बोल्ट्स और जो हैं स्क्रूज आपको साथ दिए हुए हैं। तो जनाब, ये थी जो आपके कंपोनेंट्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन के आपको हमारी DIY किट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब इसी वीडियो के आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। थैंक यू।